क्यों माने तुम अभी? इसका मतलब मैंने सही बोला, मेरी नहीं माने कम से कम। जानवर एक पालो या चार पालो या दस पालो, दवाइयाँ तो लगती ही है। सही बोला वो ने गलत? हाँ, सही सही। अब होगा जादू तुम्हारे हेयर्स के साथ। जारा जी, तुम्हारी तो स्कूल स्टार्ट हो गई। हाँ देखो, हमारे गांव में बच्चे लोग 8-8 किलोमीटर से आते हैं स्कूल पढ़ने के लिए। हमारे गांव में इनकी स्कूल और हमारे बच्चे यहाँ सोए। तुम लोग जा रहे स्कूल? मम्मी ने बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, जाओ, हमको भी भेजने का है स्कूल को, मगर दादी अलाव ही नहीं कर रहे इनके। तुमको मजा आ रही रहेंगी ना जाने को स्कूल 2 साल के बाद। सही है। सवेरे के 7:30 बज रहे और बच्चे लोगों की स्कूल की जाने की तैयारी शुरू हो गई। अगर हम अलाव कर देते माहिया आमला को जाने के लिए, माहिया और आमला भी जाते आज, मगर ये दोनों तो सोए बड़े। ये हमारी जारू आ गई। जारू जारू अजलू किधर है? अजलू और जैनब दीदी, जैनब दीदी स्कूल में, अजलिन भी स्कूल में। तुम्हारी स्कूल 10 बजे की है? अच्छा 10 बजे की है, ओके ठीक है। जारा जी ने बहुत कॉमेडी चीज बोले। आईडी कार्ड किसका है? दीदी का। तुमको 2 साल हो रहे जाके स्कूल? 2 साल, 2 साल हो गए इनको स्कूल जाकर। तुम जब 3rd स्टैंडर्ड में थे ना जब स्कूल बंद हुई? हाँ नहीं, सेकंड स्टैंडर्ड में थे। 5th स्टैंडर्ड में चले जाएंगे एग्जाम्स के बाद, क्या बात है। और अभी भी ये खुद का आईडी कार्ड तो घूम गए, जैनब का आईडी फिर के जा रही है। अरे बारे बारे बारा। तुमको अभी स्कूल में किसने जैनब बोला तो? जैनब कम यार। मैं कार उठा। ये हमारी जैनब को देखो, ए उठ जाओ रे। माही जी, तुमको भी जोश आ रहा ना अभी दीदी को देख के स्कूल जाने का? हाँ। जाओगे अब स्कूल? अभी तुम तुम्हारा आईडी वगैरह ढूंढ रहे थे, मैं देखा अमला दीदी का मिल गया। हाँ। तुम्हारा भी मिल जाएगा। तारा ने तो जैनब का पेनी है। जैनब कैसे हो तुम जैनब? हाँ ये अमला दीदी का है, पता है मुझे। देखो दादी के दिल में आ जाए इनको देखने के बाद तुमको भेजने के लिए। जाओगे स्कूल? मजा करोगे ना? आदलेन भैया दूसरे स्कूल में रहता। हाँ। तुम लोग गर्ल्स स्कूल में है? हाँ। ना हमारे पास आएंगे। हाँ। साथ में खाएंगे, दावत होगी, दावत होगी ना। आमला दीदी मेरे को खिलाएंगे। तुमको खिलाएंगे आमला दीदी? तुम खाएंगे तुम्हारे हाथ से? हाँ तुम बड़े है ना इसके लिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। देखो यहाँ पे स्कूल का फीवर चल रहा है, बच्चे लोग इतने एक्साइटेड है स्कूल जाने के लिए, मगर अम्मी ने उनको मना कर दिए। देखते हैं आपा के बच्चे लोग तो स्कूल जा रहे हैं और माही आमना भी सेम स्कूल में और आपा के बच्चे लोग भी सेम स्कूल में, तो देखते हैं आपा भेज रहे तो अम्मी को जोश आ जाएगा थोड़ा सा, बोलेंगे हाँ जाने तो बेटे का नहीं, कम से कम बेटी का तो सुन के छोड़ेंगे। क्या बोलते? ये आ गए आमना जी, सुस्ते आमना जी। माई जी हैप्पी हैप्पी क्योंकि आज हमारा अपॉइंटमेंट है हेयर कट का। हाँ अभी तुमको जैसा हेयर कट चाहिए था वैसा मिल जाएगा, ओके। बहुत दिन से माही को हेयर कट चाहिए था, मगर आजिम भाई इतने बिजी थे कि हमें अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रहा था। आज हमारा भी अपॉइंटमेंट मिल गया और माही का भी अपॉइंटमेंट मिल गया। क्यों माही जी हेयर कट करके जाओगे स्कूल? हाँ। तुमको चाहिए हेयर कट? जैनब जी आपको चाहिए? ओ जैनब जी, मेरे बाल बड़े से अच्छे लगते। तुमको तुम्हारे बाल बड़े ही अच्छे लगते? सही है सही है, इनको भी अच्छे लगते, मगर इनको जरा अभी स्टाइल चाहिए, स्टाइल। Oh my God, such acting you are doing, huh? जाएंगे थोड़ी देर से हेयर कट को। सुबह सुबह कौन चिप्स खाता है? कौन खाता है चिप्स? हाँ बताओ हमें, तुम खाते हो? अरे जारा तुम अभी तक स्कूल नहीं गए? 10 बजे देखो जा रहे ये लोग स्कूल और तुम लोग बैठो यहाँ पे मस्ती करते। ये शख्स कल कैसा? ये शख्स दुकान में नहीं है अभी तक, सोए ले दादी है ना। अभी तक भी हम लोग बेड में ही थे, मगर आ गए हम जानवरों को दवाइयाँ देने के लिए। मैं आया हूँ जानवरों को दवाइयाँ देने के लिए। ये ऐसे करेंगे तुम तो तुमको मारेगा, चिल्लाएगा ही ना तुम पर। बाकी सारे बैठे रहो, मुझे बस नूरा को और नोयान को दवाइयाँ देनी है, वही सर्दी वाली कल जो दिए थे वही देने के लिए आ गया मैं। देखो रैम्बो और टाइसन, वो रैम्बो है, ये टाइसन है। जिसको ब्लैक स्पॉट है ऊपर वो रैम्बो है, और जो जिसको कम स्पॉट है वो है टाइसन। ये हमारा नाइट का नाश्ता, हमारे एग्स और हमारे ब्रेड, खाते हैं फटाफट और जाते हैं गोट रूम में। अभी तक कुछ भी नहीं रखा है, दवाइयाँ वगैरह देके आने के बाद अभी तक भी मैं गया नहीं हूँ गोट रूम में, वहाँ भी जाना है। माही जी अरे आ रहे क्या गोट रूम में? सवेरे हुई ने तो साइकिल, शाम हुई ने तो साइकिल।
चलो विदाउट ब्रेक की साइकिल चलो जी। ओ माशाल्लाह, उठ जाओ सुल्तान, हरी पत्ती का टाइम है तुम्हारे, उठ जाओ सब आराम कर रहे। माशाल्लाह हरी पत्ती नहीं, हम आप लोगों को बरसिंग खिला रहे हैं ना, बरसिंग देंगे। चलो उठो सब, रिलैक्स मूड में सबके सब, मजा आती है इनको ऐसे देख कर। माही तुम मत जाता उसको, बैठे बैठे भी देखो कैसा कर रहा। अरे बस करो, ये देखो टाइसन और रैम्बो यहाँ पे आराम कर रहे। करो करो, करो। चलो भाई 10:30 बजने आ गए, अभी तक हम लोगों ने इनको बरसिंग वगैरह नहीं दी, वो दे देते, पर जाना है हमें हेयर कट के लिए। फाइनली आज अपॉइंटमेंट मिला है हमको। माही तो बहुत ज्यादा खुश है, माही को काफी टाइम से चाहिए था हेयर कट। ये देखो माही को हेयर कट की खुशी। चलो भाई यहाँ पे तो सारे बिजी हो गए बरसिंग में, सब लोग बिजी हो गए। अभी हमें फोन आया था सलून से कि भाई 12 बजे तक का टाइम है, 12 बजे तक आ जाओ आप। तो माही जी बहुत टाइम है हमारे पास, तब तक काम कर लेते हैं। क्या काम कर लेते हैं? मैंने कल बताया था कि कोर्ट रूम में बहुत सारे काम है, जो मेडिसिन के बारे में बताया था मैंने, मेडिसिन यहाँ वहाँ पड़ी हुई है। तो देखो मैं बताता हूँ, मेडिसिन ये ट्रे में पड़ी हुई है, इसमें ही सारे मेडिसिन पड़े हुए हैं। वहाँ पे नीचे ब्लू वाली ट्रे में हमारा कैल्शियम तेल वेल, बाकी का जो लिक्विड फॉर्म में हमारी दवाइयाँ होती है, जो हमारा टॉनिक वॉनिक होता है वो उसमें पड़ा है। तो ये सब चीज रख देंगे, कहाँ रखेंगे? मैंने कल रात में जब एडिटिंग कर रहा था मैं, तब मेरे दिमाग में आया कहाँ रख सकते हैं। पहले गोट रूम में रखते थे, मगर अभी गोट रूम के बाहर रखना पड़ेगा। भाग गए तुम, सही है सही है, 12 बजे जाना है बाल काटने के लिए, इसके लिए तुम भाग रहे हैं इधर उधर। हाँ खलीफा रहने दो इसी, चलो स्टार्ट कर देते खलीफा को। रुक जाओ, यहाँ रखेंगे हमारी मेडिसिन हम, ये पूरा कंपार्टमेंट उसी का खाली पड़ा है, इसी में रखते थे हम पहले मेडिसिन। अभी हम सब इसी में रख देंगे, एक एक करके लेके आएंगे, शिफ्ट कर देंगे यहाँ पर, टेंशन ही नहीं रहेगा कोई। जब भी कोई चीज की जरूरत रहेगी यहाँ से ले लेंगे हम लोग। क्यों माही जी लेके आ गई तुम चाबी? अरे बाप रे, तुमको है ना सच्ची में, देखो ये है माही जी, चालू भी कर दिए। रुक जाओ जरा, अरे बहुत डेंजर है माही तुम सच्ची में, वैसा नहीं करते, रुको। चलो अभी मेडिसिन्स लेके आएंगे। चलो भाई वो मेडिसिन्स वगैरह रख देते हम लोग। चलो भाई हो गया फाइनली, मेडिसिन एकदम सही से रख दिए, एकदम मस्त। तुम किधर गायब हो गए थे, टेम्परेचर देख रहे? अरे माही जी कितनी एक्टिंग करते, काम के टाइम भाग गए तुम, हमेशा रहते नहीं तो। कितना टेम्परेचर है? 37। देखो भाई हमारी मेडिसिन्स वगैरह सब हमने रख दी, एकदम बरोबर हो गया सब कुछ, सब सेट। हम लोगों ने इंजेक्शन एक कंपार्टमेंट में रख दी, सिरप सारे एक कंपार्टमेंट में रख दिए, और एक कंपार्टमेंट में ओरल चीजें रख दी। ओरल इन द सेंस जैसे स्किन के लिए चीजें होती है, सिरिंज वगैरह, वो एक तरफ रख दी। तो एकदम सेट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसके लिए मैं इतनी फिक्र कर रहा था क्योंकि दवाइयां है ना यहाँ वहाँ बिखरी हुई थी सारी की सारी, और जब जरूरत होती है तब मिलती नहीं, तो और दिमाग खराब हो जाता है। तो दवाइयां हमारी एक जगह पर आ गई। देख लो 4-5 जानवर पालने वाले के लिए भी इतनी सारी दवाइयां लगती है। जानवर एक पालो या 4 पालो या 10 पालो, दवाइयां तो लगती ही है। सही बोल रहा हूँ ना? गलत? सही सही। तुम ये कौन सा पोजीशन देखे रखे हो? रेसिंग वाला। चलो फाइनली हो गया ये, बहुत अभी सेटिस्फाइड लग रहा है मुझे, और बहुत सारे काम होने वाले गोट रूम में। दिमाग में एक एक नई नई चीजें आती रहती है, वही इंप्लीमेंट करना है इंशाल्लाह। कल या परसों से वो इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएंगे। क्यों माही जी करना है ना? माही जी क्या हो गया? बाल काटने का रास्ता देख देख के थक गए माही जी। चलो टाइम हो गया जाने का, चलो उठो। माई का मुझ उतर गया यार। अम्मी मैं तुमको बोलने आई थी ना, तुमने बोले अरे हाँ मैं जाएंगे जाएंगे। तो बस जाएंगे, उठो चलो टाइम हो गया ले। अरे उठो मेरा कराटे किड। सवेरे के 11:30 बज गए, अभी हमारा जाने का वक्त हो गया है। अभी गोट रूम में कुछ काम करवाने हैं, उसके लिए लोग आए थे, तो वही बता रहा था मैं। तो अभी देखो एक दो दिन में आपको समझ में आ जाएगा क्या काम होने वाले गोट रूम में, 2-4 काम करने वाले। तो चलो मास्क पहन रहे, फाइनली टाइम आ गया जाने का। हा? हम तो काफी पहले ही चले जाते, मगर मुझे अम्मी ने बताया कि अजलेन ही नहीं मिल रहा है स्कूल में। फिर मैं अजलेन को ढूंढने चला गया स्कूल में, और ये भाई साहब ग्राउंड पे खेल रहे थे। बैठेला था उधर, तो हालत खराब कर दी तुमने। चलो भाई जी अभी जा सकते हैं हम लोग हेयर कट को। चलो भाई ओए। कितना देर, माही जी को मैंने सवेरे से वेट करवाया हूँ। गाड़ी भी मैंने वहीं पे पार्क किया हमारी, जेट्स की पे जा सकते हैं अभी, चलाने को हो रहा है, वो एक फिंगर को अलग रख के। चलो माही जी आर यू रेडी? सवेरे 7 बजे से वेट कर रहे थे ना, तो चलो अभी टाइम आ गया। To the garden, darling, I will wait for you. Here I will sit till morning like true lovers do. Come to the garden, darling, I will wait for you.
लेमन टी वो भी हाँ? और हम तो हमारा हेयर कट ले रहे हैं, फटाफट हो जाए बस। बस हो ही गया तुम्हारा तो हो ही गया। हाँ क्या दिख रहे हो माही जी, कैसे लगे आमना जी माही जी के बाल? हाँ बहुत अच्छे ना। हाँ। और क्या बोलते हैं, मैं डॉल हूँ। मैं डॉल? कौन से डॉल है तुम? हाँ बार्बी डॉल, एनाबेला। कौन से एनाबेला डॉल? वो भूत की पिक्चर। चलो भाई हमारा भी हेयर कट हो गया, फटाफट नहा लेते हैं, गोट रूम में जाते हैं, जानवर वेट कर रहे पानी के लिए। ये देखो एक्टिंग की दुकान माही 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 रे माही। अरे बस दो बज के चले गए, हमें तो काफी लेट हो गया। अब जाएंगे पानी पिलाने के लिए भी, रैम्बो और टाइसन को दूध पिलाने के लिए भी। अरे क्या बात है, यहाँ तो रैम्बो टाइसन अजवा सारे के सारे बाहर है। तुम लिए बाहर? नहीं मम्मी। अच्छा मम्मी लिए, तुम तो धूप सेक रहे हो। सही है सही है, सेको सेको धूप सेको। ये देखो अजवा पानी के लिए आ गई भाग कर। चलो भाई ये सब कर लेते हैं अभी फटाफट। माही जी डॉल के बाल काट कर कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत अच्छा। कैसे कटे आपके बाल? अच्छे। यहाँ पर ये बिजी हो गए, होने देते हैं इनको बिजी, हम भी हमारे काम कर। क्या खा रहे हो? खीर। खीर खा रहे हो छठी की? खाओ खाओ खाओ, अरे आराम से खाओ। अरे ऐसे क्यों खा रहे तुम? माई जी एक गुड न्यूज है तुम्हारे लिए, फाइनली दादी मान गए स्कूल के लिए। क्यों माने तुम अभी? इसका मतलब मैंने सही बोला, मेरी नहीं माने, कम से कम बेटी की तो मान लेंगे देख के। हाँ मान लिए ना, फिर बच्चों की देख के मान ली। ये नाचो नाचो, कैसे नाच रहे थे? हाँ क्या, चलो खाओ तुम खीर, मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं करो खाओ तुम। चलो भाई अम्मी तो मान गए बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए, अभी स्कूल के यूनिफॉर्म वगैरह लेके आने पड़ेंगे। पहले यहाँ पे कर लेते सारे जानवर को फीड वीड डालते, फिर जाते यूनिफॉर्म लेने के लिए। सारी चीजें लानी पड़ेगी, दो साल पहले लेके आए थे, अभी दो साल बाद लेके आ रहे, सारी चीजें छोटी हो गई होगी, सारी की सारी लानी पड़ेगी हमें। चलो भाई उठ जाओ, इट्स फीडिंग टाइम, सारे के सारे उठ जाओ। उठ जाओ भाई सुल्तान, उठ जाओ भाई। चलो भाई शाबाश, वेरी गुड, सारे के सारे उठ जाओ, सारे के सारे। बरका जी उठ जाओ भाई। अरे उठो बरका जी, तो बोल रहे पहले फीड लेके आओ फिर हम उठेंगे। सुल्तान इज रेडी। चलो भाई अभी दे दे तुमको सब। फाइनली फीड पड़ गया जानवरों को, काफी देर बाद। सेठ जी को चना खाऊ जाऊ मक्का सब दे दिया हमने, सारा का सारा खा रहे हैं सेठ जी आज। आज सेठ जी मूड में। यहाँ पे सुल्तान को भी वैसा ही दिया, चना भी डाल रहा हूँ सुल्तान को, शायद आदत लग जाए खा खा के। पहले तो सिर्फ चना खाता था, बीच में क्यों छोड़ दिया फिर पता नहीं। और यहाँ पे ये लोग भी बिजी है, ये लोग कब खाएंगे दाना? दाने का तो पता नहीं, मगर बरसिंग खाने के लिए आ रहे हैं। दोपहर में तो थोड़ा बहुत खा भी रहे थे, मैंने उनके मुंह से निकाला था। मुझे कोई आइडिया नहीं है इतने छोटे बच्चों को बरसिंग या हरी पत्ती खिलाते हैं, कमेंट सेक्शन में बताओ, हमें भी पता चले कि इतने छोटे बच्चों को बरसिंग या हरी पत्ती भी खिलाई जाती है। चलो भाई यहाँ से जाते हैं अभी फिलहाल। फिलहाल जाते हैं हमारे बच्चों के ड्रेस लाने स्कूल के। अरबी की तैयारी जा। अरे बस बस बस। जाओ भाई। धन्यवाद। काय का धन्यवाद? बाल काटने के लिए धन्यवाद। क्या बात है, यहाँ पे खीर। आप हमें स्कूल जाने दे। अच्छा आपका भी धन्यवाद, आप हमें स्कूल जाने दे रहे। लो भाई खीर खाओ खीर खाओ खीर खाओ। इतना थक गए क्या? सब मिल गया क्या तुमको? हाँ। सब मिल गया, क्या बात है, वेरी गुड। तुमको मिला तुम्हारा सब कुछ? हाँ। क्या बात है, मैं तो नहीं जा पाया, मैं तो काम कर रहा था कुछ एक्शन वाली दुनिया के, वही काम करके बस जस्ट लेटा ही मैं, तो ये लोग आ गए। चलो अभी आ गए तो व्लॉग एंड कर देते हैं। आज तो हमारे काफी सारे काम हो गए गोट रूम में, तो जो दवाइयाँ थी वो हम लोगों ने उनकी जगह पर रख दिया। अभी हमको दवाइयों का कोई टेंशन ही नहीं है, हमको जब भी लगेंगे हम लेंगे, यूज करेंगे और फिर से रख देंगे। और काफी सारे काम होने वाले गोट रूम में कल। हाँ कल हो जाएगा शायद, काम की शुरुआत हो जाएगी और दो तीन दिन में काम कम्प्लीट हो जाएगा। तो चलो ये ब्लॉग को यही पे एंड करते हैं। उम्मीद करता है आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। टिल देन अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड गुड बाय। फाइनली दादी मान गया स्कूल के लिए माही जी। हाँ हाँ बेबी डॉल कट। चलो भाई एक वो करके दिखा दो ना, वो वाला नहीं, वो गाने के सामी सामी करके दिखा। सामी हे सामी हे सामी।